Hello, my dear friends. How are you all? Hope you all are fit and fine at your home. So today I'm here with you all with chapter 10 of class 3 named The Ship of the Desert. Friends, this is the last chapter of class 3. After this, we will start the KG classes. Okay, we will start KG classes. It means we will start number names A to Z like these. Okay, so let's start reading this chapter. So let's start. The name of the chapter is The Ship of the Desert. Now tell me, who is the ship of the desert? Who is known as the ship of the desert? You all know a camel is known as the ship of the desert. So let's start reading. Lion roaring. अब शेर दहाड़ते हुए कहता है, कैमल से पूछता है कि who are you, तुम कौन हो? कैमल क्या कहता है? उसकी तरफ देखते हुए, नीचे की तरफ देखते हुए, क्योंकि कैमल बहुत ऊंचा होता है और जो शेर था वो छोटा था, तो उसको नीचे देखना पड़ा उसको देखने के लिए. वो कहता है कि मैं डेजर्ट का शिप हूँ. I'm the ship of the desert. मैं डेजर्ट का शिप हूँ. तुम कौन हो? लोयन क्या कहता है? तुम मुझे जानते नहीं हो. लोयन अभी कहता है थोड़ी एंग्री होकर कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं जंगल का राजा हूँ. कैमल, हु आर यू, क्या तुम ही हो जंगल के राजा? हाँ हाँ, मैंने देखा. अभी जो लोयन है फ्राउनिंग, वो उसकी बात को काटते हुए कहता है कि तुम अपने आप को शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हो, लेकिन तुम शिप नहीं हो, तुम तो एक एनिमल हो. शिप मीन्स क्या होता है? द मीनिंग ऑफ, इसमें शिप वो दूसरे वाले शिप की बात नहीं करें जिससे वूल मिलती है, इसमें हम शिप की बात करें जो वाटर पे चलती है. ओके, सो कैमल स्माइलिंग, कैमल स्माइल करते हुए कहता है हाँ मुझे पता है कि मैं शिप नहीं हूँ, आई एम अ कैमल, लेकिन सब लोग मुझे शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं, क्योंकि मैं डेजर्ट में बेशक से बिल्कुल कड़कती धूप हो, दोपहर हो, मैं डेजर्ट में बिल्कुल आसानी से चल पाता हूँ, और जो मिट्टी इतनी जल रही होती, इतनी गर्म होती है, इट डजंट बॉदर मी. बॉदर मी मीन्स मेरे ऊपर उसका कोई असर नहीं होता. कैमल, आई कांट बिलीव, मैं सॉरी, लोयन कहता भी, मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हारे ऊपर उसका कोई असर नहीं होता. तो कैमल कहता है क्या तुम एक डेजर्ट में चल सकते हो? लोयन ब्लिंकिंग, लोयन ने अपनी आंखें झपकाते हुए कहा नहीं, मैं तो कभी भी नहीं चल सकता, मैं सिर्फ फॉरेस्ट में चल सकता. तो कैमल कहता है कि फॉरेस्ट में तो कोई भी भाग सकता है. कैमल कहता है कि फॉरेस्ट में तो कोई भी कितना भी तेज भाग सकता है, इसमें क्या है? मैं, तुम मुझे देखो ना, मैं सिर्फ अकेला एक ऐसा एनिमल हूँ जो डेजर्ट में चल सकता, और मैं एक घंटे में 25 किलोमीटर चल सकता हूँ. ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए, कभी भी आपसे पूछ सकते हैं कि कैमल एक घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है, या फिर जो 25 किलोमीटर है वो कैमल कितने टाइम में कवर कर लेता है. ओके, क्योंकि ये जब आप बड़े हो जाते हो, कुछ ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं कुछ इंटरव्यूज में. ओके, लायन वंडरिंगली, लायन हैरानी से कहते हैं कि हाउ कैन यू डू दैट, तुम ये कर कैसे सकते हो? कैमल, लुक एट माई फीट. अभी कैमल उसको बताता है कि तुम मेरे पैरों की तरफ देखो, दे आर थिक एंड पैडेड, वो बहुत ही थिक है, बहुत मोटे हैं, और पैडेड मीन्स गद्देदार है. द हॉट सन डजंट बर्न, जो हॉट सन है, जो गर्म सूरज है, वो उन्हें जला नहीं सकता. लायन, माई फीट आर पैडेड टू, पैडेड मैंने लास्ट अभी हमने पोएम की थी ना, क्रिएचर्स मूव, ऐसा ही कुछ था उसका नेम, उसमें भी एक वर्ड आया था ना, लायन मूव थ्रू हिज पैडेड पास, जिसका नाम था हाउ डू क्रिएचर्स मूव, तो उसमें यही वर्ड आया था, सबसे पहला था या सेकंड लाइन में था, कि लायन मूव्स थ्रू हिज पैडेड पास मीन्स गद्देदार पंजे. मैंने बताया भी था, उसमें भी बताया था पैडेड का मीन्स, इसमें भी बता रही हूँ कि गद्देदार. ओके, अब लोयन कहते हैं कि मेरे जो फीट है वो भी गद्देदार है, दो थॉर्न्स डोंट प्रिक देम, जो थॉर्न्स होते हैं, थॉर्न्स मीन्स कंटीले पेड़ पौधे होते हैं, वो मेरे पैरों में नहीं चुभ सकते. एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर्स, एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर्स, एंड आर, मैं एक घंटे में 80 किलोमीटर चल सकता हूँ. कैमल, दिस इज ट्रू, हाँ ये सच है कि तुम एक घंटे में 80 किलोमीटर चल सकते हो, लेकिन तुम फॉरेस्ट में चल सकते हो, लेकिन तुम हॉट सैंड में माइल भी नहीं चल सकते. लोयन, मे बी नो, बट लोयन कहता है कि हाँ, क्या शायद मैं नहीं चल पाऊँ. कैमल उसको इंटरप्ट करते हुए कहता है कि एंड यू कांट लीव विदाउट वाटर फॉर अ वीक, तुम एक हफ्ते पानी के बिना भी नहीं रह सकते, क्या तुम रह सकते हो? लोयन कहते कि नहीं, मैं नहीं रह सकता, मुझे पानी की ज़रूरत हमेशा पड़ती है, बट डोंट टेल मी यू कैन डू
विदाउट वाटर। लेकिन अब तुम्हें मुझे ये मत कहना कि तुम बिना पानी के रह सकते हो एक हफ्ते तक। कैमल कहता है हाँ वो तो मैं रह ही सकता हूँ, क्योंकि डेजर्ट में कोई झील नहीं होती, झील नदियाँ ऐसा कुछ नहीं होता, तो मेरे को उनसे भी कोई असर नहीं पड़ता। मैं एक ही बार में 200 बोतल पानी की पी जाता हूँ। एक ही बार में कितना पानी पी जाता हूँ? 200 बोतल्स ऑफ वाटर। लायन, अब लायन क्या कहता है? रियली यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक। लायन कहती है सच में तुम्हारा पेट तो बहुत बड़ा है। कैमल गर्व के साथ कहता है हाँ मेरा पेट तो बहुत बड़ा है, मैं एक हफ्ते तक पानी स्टोर कर सकता हूँ, मैं खाना भी दो हफ्ते तक स्टोर कर सकता हूँ। अब लायन को बहुत इंटरेस्ट आया था, उसने इंटरेस्ट दिखाते हुए पूछा क्या तुम ये सारा खाना अपने पेट में स्टोर करते हो? कैमल बोलता है नहीं, मैं अपना सारा खाना मेरे हम्प में स्टोर करता हूँ। नाउ व्हाट इज हम्प? लेट्स लुक द पिक्चर ऑफ कैमल। कैमल की पिक्चर देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा आपको कि हम यू ऑल कैन सी द पिक्चर ऑफ कैमल। दिख रही है ना सबको? तो ये जो बीच में इस कैमल का ऐसे उठा हुआ है, इसको बोलते हैं हम्प। और इस कैमल को हम्प कैसे मिली, ये आपको पूरी स्टोरी इसकी डिटेल में 8th क्लास में मिलेगी। सबसे पहला चैप्टर ही होगा। ओके सो लेट्स अभी हम वापस से अपने पेज पे चलते हैं। पता चल गया ना व्हाट इज हम्प? ओके तो अब लायन कहते हैं दैट्स इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बट व्हाट यू डू यू इट, लेकिन तुम खाते क्या हो? क्योंकि डेजर्ट में तो पेड़ पौधे भी नहीं होते, तो तुम उधर खाते क्या हो? कैमल कहता है कि आई ईट लीव्स, मैं पत्तियाँ खा लेता हूँ, बट देर आर नो ट्रीज इन डेजर्ट। लेकिन डेजर्ट में पेड़ ही नहीं है। तो लायन व्हाट डू यू ईट देयर? तो कैमल कहता है कि वैसे तो मैं पत्तियाँ भी खा लेता हूँ, लेकिन डेजर्ट में पेड़ है ही नहीं। तो लायन पूछता है कि फिर तुम क्या खाते हो? कैमल जवाब देता है कि वहाँ पर थोर्नी बुशेस, कंटीले पेड़ होते हैं, मैं उन्हें खा लेता हूँ, मैं उनके थोन्स खा लेता हूँ। थोन्स डोंट प्रिक माई टंग, जो थोन्स में जो कांटे हैं उनके, वो मेरी टंग में नहीं चुभते, वो मेरी जीभ में नहीं चुभते। लायन कहता है कि बहुत फनी, बहुत मज़ेदार है ये तो। कैमल, मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट, प्लीज़ कम विद मी टू द डेजर्ट। तभी कैमल कहता है लायन को कि मिस्टर किंग ऑफ द डेजर्ट, तुम एक बारी मेरे साथ डेजर्ट में चलो तो सही। लायन कहते हैं कि नो आई हैड बेटर नोट। लायन कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं चलूँगा, आई कांट वॉक ऑन बर्निंग सैंड, मैं जलती हुई रेत पर नहीं चल सकता। आई कांट स्टोर फूड एंड वाटर, मैं ना ही खाना स्टोर कर सकता हूँ, ना ही पानी स्टोर कर सकते, एंड आई कांट ईट थोन्स, ना ही मैं थोन्स कंटीले पेड़ पौधे खा सकता हूँ। गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट। अभी लायन क्या कहता है कैमल को? बाय बाय, गुड बाय और गुड लक मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट। मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट मीन्स कैमल। ओके कैमल को बोल रहा है, तो न्यू वर्ड्स हैं इसके। शिप ऑफ द डेजर्ट पता ही होगा, माइल्स किंग ऑफ द फॉरेस्ट, सैंड थोन्स, ये सब का पता है ना आपको। शिप ऑफ द डेजर्ट इज यूज फॉर कैमल, किंग ऑफ द फॉरेस्ट इज यूज फॉर लायन, सैंड मीन्स रेत और थोन मीन्स कंटली। सो फ्रेंड्स होप यू लाइक माई दिस वीडियो, एंड इफ यू देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो हैव अ ब्यूटिफुल डे। बाय।